सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल कर प्रणव चैनल को और इस बेल नोटिफिकेशन को दबा के ट्रैवल एंड ट्रैकिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? एंड आई होप आप लोग सेफ हो एंड इस लॉकडाउन के सारे नियम का पालन कर रहे हो। एंड मैं दुआ करता हूँ कि ये संकट ना सिर्फ इस देश से बल्कि पूरे दुनिया से जल्द खत्म हो। एंड आज से मैं आज एक नया सेगमेंट चालू करने वाला हूँ जिसमें ट्रैवल या नेचर के रिलेटेड न्यूज और इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। एंड आई होप ये सेगमेंट आपको पसंद है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिसेंटली BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया रोड बनाया जो कि उत्तराखंड के दरचुला गांव से लिपू लेक पास तक कनेक्ट करता है। लिपू लेक बेसिकली इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर है। नाउ तिब्बत इज इन चाइना, सो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। ये रोड हिस्टोरिकल है एंड इस रोड के वजह से कैलाश मानसरोवर ट्रिप में काफी चेंजेस आएंगे। इस रोड के वजह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा सस्ती होगी, कम दिनों में होगी और ज्यादा कंफर्टेबल होगी। ये नया रोड 80 किलोमीटर लॉन्ग है और 6000 फीट 17000 फीट तक इसका एल्टीट्यूड गेन होगा। सो जो ट्रेडिशनल रूट है उसमें सबसे पहले आपको नेपाल जाना पड़ता है, उसके बाद काठमांडू से बाय रोड आपको चाइना क्रॉस करना पड़ता है एंड उसके बाद अराउंड 1000 किलोमीटर्स की रोड जर्नी है जो काफी हेक्टिक भी होती है। सो इतने दिन होने के कारण ये ट्रिप थोड़ा एक्सपेंसिव है। और एक रूट भी है जो सिक्किम के थ्रू है, सो वहां पे भी आपको बाय रोड चाइना जाना पड़ता है एंड उसके बाद अगेन हेक्टिक जर्नी है बाय रोड। सो ये दोनों रोड से जनरली 15-20 डेज लगते हैं एंड देन इतने दिन होने के कारण ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है एंड उसी के साथ इतने दिन की छुट्टी काफी लोगों को नहीं मिलती। सो जनरली लोग पोस्ट रिटायरमेंट ही यहाँ जाते हैं। लेकिन अब जो ये नया रोड बना है उसके वजह से बस एक हफ्ते में आपकी पूरी कैलाश मानसरोवर की ट्रिप कंप्लीट हो सकती है। आपको 80 किलोमीटर का ये लिपू लेक का पास ट्रैवल करना है बाय रोड एंड उसके बाद 5 किलोमीटर का ट्रैक है। यस, ट्रैक है, लेकिन ये काफी इजी ट्रैक है ऐसा कहा जा रहा है। सो इसमें बुजुर्ग भी ये ट्रैक कर पाएंगे एंड जैसे ही आप ये 5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करते हो आप चाइना एंटर करते हो एंड वहां से सिर्फ 130 किलोमीटर का रोड ट्रैवल है। सो ये डेफिनेटली एक दिन में कंप्लीट हो सकता है एंड उसके बाद आप 2 या 3 दिन लो कैलाश मानसरोवर घूमने के लिए एंड यू कैन इमिडिएटली कम बैक। सो कैलाश मानसरोवर का क्या इंपॉर्टेंस है? सो बेसिकली कैलाश पर्वत ये हिंदुइज्म में काफी होली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव भगवान का वास्तव है यहाँ एंड ना सिर्फ हिंदुइज्म में, बॉन्ड रिलीजन में, बुद्धिज्म में एंड इवन जैनिज्म में इसका काफी बड़ा इंपॉर्टेंस है। सो कैलाश मानसरोवर में काफी टूरिज्म होता है एंड उसके साथ ही मानसरोवर भी काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदुइज्म में माना जाता है कि अगर आप स्नान करते हो मानसरोवर में तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। सो काफी लोग यहाँ इस दो वजह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आते हैं। ये जो रोड था वो काफी दिनों से बन रहा था, रादर काफी सालों से बन रहा था एंड इवेंचुअली अप्रैल में जाके इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। सो इतने दिन ये रोड की कमिश्निंग हो रही थी, पायलट ट्रायल्स लिए जा रहे थे एंड फाइनली May 8 पे इसका इनॉग्रेशन हुआ वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड एक कॉन्वॉय भी भेजा गया टू एक्सप्लोर द रोड एंड टू चेक द कम्फर्टनेस। सो ये कॉन्वॉय ने चेक किया कि ये रोड कैसा है, कितनी कम्फर्ट है ये जर्नी में एंड फाइनली इट इज ऑफिशियल एंड ये रोड बना हुआ है। अब बस देखते हैं कि कब ये लॉकडाउन खत्म होता है और कब ये रूट से हमें एक्सेस मिलती है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये न्यूज पसंद आई हो, ट्रैवल सेगमेंट पसंद आया हो एंड अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली एक कमेंट कर देना। आई विल सी यू सून डेफिनेटली विद सम ट्रैवल ब्लॉग और ट्रैकिंग ब्लॉग और शायद एक ट्रैवल न्यूज भी हो सकती है। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।